अस्सलामु अलैकुम। वी आर गोइंग टू स्टडी मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स कोई भी रेक्टेंगुलर शक्ल के अंदर हमारे पास जो रियल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, उनको दो ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देना मैट्रिक्स कहलाता है। अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशंस ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 1, 2, 3, 4, 7 सच एज एंड द इनक्लोज्ड ब्रैकेट्स से टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर दो चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। तो इसके अंदर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे। एक और मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है बी वाला क्वेश्चन, इसके अंदर अगर हम देखें तो रो 1 है जबकि हमारे पास कॉलम 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 1/2। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन, इसमें दो मैट्रिक्स हैं जो आपस में इक्वल हैं, तो इसमें फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट वाले के इक्वल होगा, ए प्लस सी इक्वल है 0 के। सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल होगा, ए प्लस 2b इक्वल है -7 के। थर्ड वाला थर्ड के इक्वल होगा, सी माइनस 1 इक्वल है 3 के। फोर्थ फोर्थ के इक्वल होगा, 4d माइनस 6 इक्वल है 2d के। सेम एज हम इनको नाम दे लेंगे, 1 इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 3 एंड 4। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन चारों में हमारे पास कौन सी वैल्यू है जो सिर्फ वन टाइम है, यानी कि फर्स्ट के अंदर हमारे पास ए और सी है, सेकंड वाले में हम देखें ए और बी है, थर्ड में डी है हमारे पास दो दफ़ा, लेकिन थर्ड वाली जो हमारे पास इक्वेशन है इसके अंदर सिर्फ सी की वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, सी माइनस का 1 जो है वो इस तरफ आके प्लस 1 हो जाएगा, तो सी का आंसर आ जाएगा 3 + 1 = 4। सी की वैल्यू 4 आ गई। अब हम ये चेक करेंगे कि सी और किस इक्वेशन के अंदर है, तो इक्वेशन 1 के अंदर जो है वो सी मौजूद है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1, सी की जगह पे हम सी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 4 = 0, प्लस का 4 उस तरफ जाके -4 हो जाएगा, इस तरह हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब ए देखें तो ए हमारे पास इक्वेशन 2 में मौजूद है, तो इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुट इन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ए की जगह पे आ जाएगा -4 + 2b = -7, माइनस का 4 जो है वो उस साइड पे जाके +4 हो जाएगा, 2b = -3, बी के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई, सी की भी वैल्यू आ गई, देन हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, 4d प्लस का 2d इस तरफ आके -2d हो जाएगा और माइनस का 6 इस तरफ आके +6 हो जाएगा, 4d में से 2d गए तो 2d रह जाएंगे = 6, डी के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो 2 × 3 = 6, डी की हमारे पास वैल्यू 3 आ जाएगी इस तरह। तो ये था हमारा एक्सरसाइज हमारी 1.1, जिसके अंदर सबसे पहले हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ऑर्डर्स को डिस्कस किया, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने वैल्यूज़ को फाइंड किया। थैंक यू सो मच।